कहाँ बैठा जा रहा है देखिए। हाँ भाई जगह दो यार। कौन सी जगह है? ऐसे बेचारे बन के बैठे हुए हो हैं? उठो चलो चलो गेंडा स्वामी चलो। हरे कृष्णा। आज है, आज मैं एकदम सही डेट बोलूँगी, 7 जुलाई। हाँ आज है 7 जुलाई और आज मम्मी नानी और सचिन जाएंगे अभिलाषा भाभी के पास उनको लेने। और हमारी नानी की डिमांड जो है काफ़ी हाई है, इस वजह से नानी बहुत मुश्किल से मानी है जाने के लिए। बेचारे 3 महीने से बुला रहे हैं। पहले तो एक शादी के चक्कर में नहीं आई थी नानी, फिर बोल रही थी कि मुझे गुरु पूर्णिमा पे वृंदावन जाना है, पर नहीं जा पाई, कुछ वजह आ गई। ऐसे ऐसे करके नानी ने जो है बहुत डिले किया। तो अब फाइनली जाके वो समय आया है कि नानी हमारी फाइनली जाएंगी भाभी के यहाँ, भाभी को लेकर आएंगी। और ये लोग मेरे को अकेला छोड़ के जा रहे हैं यार, भूरी के साथ। दिन तो कट जाता है, रात में मम्मी 4-5 लोग आ जाते हैं, पता नींद नहीं आती। प्राची सो गई थी जो है। ओहो प्राची देखो तुम बिना। और आज अचार का डे 5 है और आज भी जो है धूप नहीं निकली। आज भी धूप नहीं है ना, निकल आई सुखा आया था। इधर आज धूप को ना मतलब धूप बोलते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ी देर बाद बादल हो जाते हैं, अच्छी से धूप नहीं निकल रही। और मम्मी अपने बुढ़ापे को छुपाते हुए, चल करो इसमें क्या आया है। ये मम्मी ने कुछ मंगाया है खाने के लिए, मम्मी ने मंगाया है, समझ रहे हैं आप। ओनली ऑन मॉम्स डिमांड ये सब आया है। ये है बेडमी पूरी, क्रंची होती है पर मैंने मना किया था मत मंगाओ ऑनलाइन, क्रंचीनेस नहीं रहेगी, मानी नहीं। ये सब्जी, ये है अचार, ये है पूरी। तो मैंने नहा लिया है, अब मैं जो हमारे घर में एक अचार का प्रोसेस चल रहा है ना उसको जरा थोड़ा सा गुचड़ गुचड़ करके आते हैं, मतलब पलट के आते हैं, थोड़ा सूख के ही ना दे रहा। बीरबल की खिचड़ी हो गई है। भूरी हटिए भाई, बाहर जाना है, जगह दे दे। तो मेरी मौसी आ रही है, तो मैं मौसी को जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन से लेने, और मेरे को कंपनी देंगे हमारे भूरीलाल। तो चलो, इनकी चाबी जो मेरे हाथ में, तो ये तो चलेंगे ही। चलो भाई चलो बड़ो आगे। भैया पंखा लाइट बंद कर देनी चाहिए, ऑन छोड़ रही हूँ मैं अभी, नहीं बंद। चलो 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 चलो, चलो। इससे एक कदम आगे नहीं चल रहा, कहीं छोड़ ना जाऊँ। आ जाओ जल्दी, नहीं तो छोड़ जाऊँगी। इसको बिठाने से पहले सीट पर पहले लगाना पड़ेगा कपड़ा, वरना ये गंदा कर देता है बहुत। आ नहीं रहा है, जो चला गया पता नहीं कहाँ। अब जैसे गाड़ी चलने लगी आगे दौड़े दौड़े, अब बिठाओ इनको। तेरे को तब से बुला के आए क्यों नहीं, चलो चढ़ो इधर। भूरी चले गए, चल 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 ले भूरी भाई, ले इधर से बैठ जा, कहीं से तो बैठ जा, परेशान क्यों कर रहा है तू, गाड़ी चलाने नहीं देगा। चलो गुड बाय, बैठ जाओ इसमें आराम से, चलते हैं। बैठे हो तो गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट इज मस्ट लगा लेनी चाहिए। पीछे रख दो मौसी, मौसी आ गई। मौसी शक्ल तो दिखा, दिख नहीं रही। भूरी भूरी इंस्पेक्ट कर रहा है कि तू बम तो लेकर नहीं आई गाड़ी में। मौके चली मौसी घर, भाई साहब कोई आया ही नहीं स्वागत के लिए तुम्हारे। बेटी ढूंढने के लिए जाऊंगी। अब आ गई है।
मेथी मिला कर रखी हुई थी, उसको वापस से नानी ने बाल्टी में डाल दिया है। और ये क्या क्या पीसा हुआ ना? सौंफ। सौंफ, सौंफ ये पीसी हुई है नानी ने, कितनी 250 ग्राम ना। और ये है हींग, अच्छी वाली हींग यूज करनी है अचार के लिए। हींग जो है पूरी नहीं डालनी है, हिसाब से डालनी है। ये जो है ये हींग है, मैं ग्राम देख के बता देती हूँ। मेरे पीले हाथ है ये छुरी, ये है 10 ग्राम हींग, 400 रुपए की। ये इतनी नन्ही सी हींग 350 रुपए की। शौक में हूँ मैं, शौक में तो पूरी नहीं डालनी है, हींग तेज है काफी। ज्यादा डालोगे तो आपका अचार कड़वा हो जाएगा। तो कितनी, इतनी जो यहाँ पर रखा हुआ है ना ये पोषण, इतना डालना है। मन में मतलब एक तोला से हींग कम डालनी है। 10 किलो आम में 1 तोले से कम हींग डालनी, 1 तोले मतलब 10 ग्राम, 10 ग्राम से कम हींग डालनी है आपको। इस 10 ग्राम में से भी इतनी जो है बचा के रख ली है हमने। वो पानी था उसमें नानी ने हींग को मिक्स कर दिया है। हाँ। और उस वो जो ज्यादा वाला पानी है उसमें मिला देंगी अभी। ये सौंप है, सौंप डालनी है। मिर्च डालनी है, एरी चटपटी है मिर्च। मम्मी मैं तो ताजा पीस के लाई हूं ना, पर तो चटपटी है। तो आपको पता होनी चाहिए आपकी मिर्च चटपटी है या नहीं। ये अब हींग वाला पानी इसमें मिक्स हो गया है। अब ये हल्दी डालेगी इसमें, नानी हल्दी डाल रही है। ले जा खोल। तेल डाल रहे हैं अब हम, 1/2 किलो तेल डाल रहा है 10 किलो आम में। कम नहीं है नानी, कम तो नहीं पड़ेगा। ये इसमें सब मिक्स हो चुका है, हींग, मेथी, सौंफ, हल्दी, मिर्च, तेल। भैंस की खार जैसा, खर जैसा दिख रहा है, भैंस के लिए नियार बन रहा हूँ जैसा। मोर हल्दी दर। अब हम अचार ऐड करेंगे। ये रस अचार केकड़े जैसा दिख रहा है। तो ये अचार उसमें मिक्स कर दिया, फिर उसका ऐसे नानी मीट टाइप रही है, मिक्स कर रही है। अचार बन के तैयार हो गया। अब ये पेगा बस इसमें 2 दिन, उसके बाद डिब्बे में भर दिया जाएगा। मैं बड़ी मलूक मैंने ऊपर ऊपर से लिया ना। हमारी मम्मी एकदम रेडी है सूट और पेटीकोट पहन के। क्या कॉम्बिनेशन वाली ड्रेस है मम्मी, लहंगा नीचे मम्मी ने घंघरा पहना हुआ है। और ट्रेंड ट्रेंड फॉलो कर रही है मम्मी हमारी। पेटीकोट जैसा पहने ना, ऊपर से सूट और नीचे से घंघरा सा, तो वही तो ट्रेंड बता रही हूँ मैं। देखो ये सभी लोग तैयार हो गए। अरे यार सचिन चुप। तो अब एक एक करके मैं सबको दिखाते हैं कैसे लग रहे हैं। तो मम्मी इधर दिखाओ कैसी लग रही है तुम, बहुत बढ़िया लग रही है। और अब हम दिखाते हैं सचिन को या नानी को या मौसी को, कोई तो आएगा अगला कैंडिडेट। मौसी अभी मना कर रही है, तो हम सबसे पहले मौसी को ही दिखाएंगे। और ये हमारी मौसी अभी तक रेडी नहीं हुई है। और ये है हमारी नानी, नानी ने घूंघट मार लिया है, तैयार हो गई है नानी। और ये सचिन, सचिन भी रेडी हो जाए। छोड़ गई और मेरा भोग कौन सी है? बेचारे घर पे ऐसे ही रह जाएंगे। इस मासूम को तो अभी पता ही नहीं है क्या होने वाला है। शायद पता है,
इसीलिए दरवाजे पे स्टॉपर की तरह लग गया है। मैं और पूरी मैं अकेले क्या ब्लॉग बनाऊंगा। ऐसी आंखें निकाल के क्यों देख रहा, तो खाने थोड़ी जा रही हूँ मैं। ऐसे वो घूर रहे, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, चल गुड बॉय। देख रहे हो इसका मुंह कितना शौक में है। हमारी मौसी जी भी रेडी हो गई हैं। जरा दुपट्टा डाल के दिखाओ मौसी, मौसी को पूरी बढ़िया लग रहा मौसी। आंदोलन तो कर ले यार प्लीज थोड़ा सा। मेरी मम्मी जा रही है यार, कैसे रास्ता रोक रहे हो। बाय बाय, लीविंग मी एंड भूरी बिहाइंड। जल्दी से निकाल लेना, जल्दी से निकालना, जल्दी। बाय बाय। इसको ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। मेरे हाथ में ये सामान होने के कारण मैं इसको वैसे नहीं पकड़ पा रही, ऐसे ही फंसाना पड़ रहा है ट्रैप में। नो भूवी, नो भूवी, नहीं। ये क्या हो रहा है भाई, इधर रोड पे फैल गया ऐसे। अभी रो रहा था तो क्या कर रहा है बुरे, क्या कर रहे तू ये। चल घर, चल चलो घर, चलो उठो।